हेलो फ्रेंड्स, आज हम बुखार या सामान्य बुखार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपने अक्सर देखा है कि आजकल काफ़ी व्यक्ति और एक फैमिली में लगभग सारे ही व्यक्ति बुखार से ग्रस्त हैं। इस बुखार के साथ सिर दर्द, खांसी, जुकाम एवं शरीर में दर्द भी होता है। हम प्रायः सब दवाई तो ले लेते हैं या सेल्फ मेडिकेशन भी कर लेते हैं, जिसमें पैरासीटामोल की गोली होती है, रेस्ट होता है, कुछ एंटीबायोटिक हो सकती हैं डॉक्टर की सलाह से। पर मन में शंका रहती है कि ये कोई सीरियस बीमारी के लक्षण तो नहीं है, जिसमें कोविड, फ्लू, कॉमन वायरल फीवर या और अधिक गहन बीमारी जैसे स्वाइन फ्लू के लक्षण तो नहीं है। तो इनको कैसे आपस में हम अंतर जाने, उसके बारे में इस एक मिनट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कोविड की बात करें तो कोविड के बारे में जानकारी ऑलरेडी सब लोगों को काफ़ी हासिल है, फिर भी एक अचानक तेज़ बुखार होना, सिर में दर्द होना, कभी कभी हमारी स्मेल चली जाना या टेस्ट चले जाना, खांसी होना और यह 2 से 3 दिन चलना, उसके बाद किसी व्यक्ति को सांस फूलना, ये लक्षण होते हैं। सिमिलर या ऐसे ही लक्षण डेंगू में होते हैं, जिसमें कि शुरू में बुखार तेज और शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उसमें खांसी जुकाम नहीं होता है। उसके विपरीत हम देखें अगर फ्लू एवं स्वाइन फ्लू, तो फ्लू में लक्षण ये सारे कम पैमाने में होते हैं, उनकी स्केल कम होती है और टॉलरेबल होते हैं। जहाँ की स्वाइन फ्लू में, जिसका प्रचलन 2009 से शुरू हुआ, बुखार अचानक बहुत तेज़, 101 से ऊपर, 102 से ऊपर, बहुत अत्यधिक सिर दर्द, फटने वाला सिर दर्द एवं शरीर में काफ़ी दर्द, गले में एक अजीब सी खराश और गला खोल के देखें तो काफ़ी लाली और उसके साथ खांसी। ये चारों बीमारियों को डिस्टिंग्विश, आपस में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप समय रहते उसका उपचार करें और उपचार से ही इस बीमारियों के लक्षण कम हो जाते हैं और जल्दी ठीक हो जाती है। जैसे स्वाइन फ्लू में अगर हम शुरू में ही फ्लू की दवाई का उपयोग करें, जब तक रिजल्ट आता है तब तक देर होती है, और शुरू में कर लें तो ये बीमारी 2 से 3 दिन में कम हो जाती है और 5 दिन में पूर्णतः ठीक हो जाती है। हालांकि डेंगू, कोविड और अदर कॉमन फीवर्स के कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, पर जल्दी पूर्ण दवाई लेने से हमें इससे राहत मिल सकती है। धन्यवाद।